नमस्कार दोस्तों, चरहट के हिंदी में आपका स्वागत है। सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में आपको पता है कि दूध का सेवन करना वर्जित माना जाता है। सावन के महीने में दूध का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए, इसका धार्मिक और वैज्ञानिक तथ्य भी आज हम इस वीडियो में बताएंगे। आखिर सावन के महीने में व्यक्ति को दूध का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए। यदि आप भी दूध का सेवन कर रहे हैं सावन के महीने में तो इस वीडियो को जरूर देख लें। सावन का महीना शिव जी को प्रिय होता है और सावन के महीने को बहुत ही पावन माना गया है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में महादेव के भक्त भक्ति पूर्वक उनकी पूजा अर्चना करें तो महादेव जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की मुराद जल्दी पूरी करते हैं। वैसे सावन के महीनों को लेकर कुछ नियम भी शास्त्रों में बताए गए हैं। वहीं नियमों में से कुछ नियम खाने पीने की चीज़ों को लेकर बताए गए हैं। जी हाँ, सावन में साग और दूध का सेवन करना नहीं चाहिए। आइए हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक क्या कारण है। धार्मिक रूप से यह माना जाता है कि दूध महादेव को अत्यंत ही प्रिय है और इससे सावन भर उनका अभिषेक किया जाता है, इसलिए दूध को सावन के महीने में नहीं पीना चाहिए। अब हम बात करें साग की। महादेव को प्रकृति अत्यंत प्रिय है। सावन का महीना बारिश का महीना होता है, इसी के चलते पेड़ पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आपको बता दें कि साग भी पौधों का ही स्वरूप है, इसलिए सावन भर इसे ना खाने की सलाह दी जाती है। तो ये इसका धार्मिक महत्व था। आइए अब हम इसका वैज्ञानिक तथ्य भी आपको बताते हैं कि साग को ना खाने के पीछे वैज्ञानिक तथ्य क्या है। सावन के महीने बहुत वर्षा होती है, वहीं इस दौरान हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ा जाता है। जी दरअसल बारिश की वजह से कीट पतंगों की संख्या बढ़ जाती है, वायरस की संख्या बढ़ जाती है और खेतों में कई तरह के घास फूस उग जाते हैं। वहीं साग को काटने पर ये चीज़ें भी उनके साथ कटकर आ जाती हैं। उस दौरान जब हम साग का सेवन करते हैं तो कुछ हानिकारक चीज़ें पेट में चली जाती हैं और पेट का पाचन तंत्र गड़बड़ाने की वजह से वो चीज़ें ठीक से पच नहीं पाती और हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाती हैं। दूध न पीने के पीछे भी वैज्ञानिक तथ्य है कि सावन के महीने में गाय भैंस और अन्य मवेशी जो भी चारा घास फूस खाते हैं या उन्हें खिलाया जाता है उसमें साग पत्ते भी होते हैं। इस दौरान मवेशी उस चारे के साथ बारिश के मौसम में पनपे हानिकारक तत्व को भी खा जाते हैं। उसके बाद उनके दूध के जरिए वो हानिकारक तत्व हमारे पेट में पहुँच जाते हैं जो हमें जाकर हमारे पेट में जाकर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। इसलिए वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सावन के महीने में दूध और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर दोस्तों तक शेयर करें। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।